हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबली। आपका स्वागत करती हूँ बबली किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप एक बार बना के पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप वीडियो में बताए हुए टाइमिंग और टिप्स पे ध्यान दीजिएगा, तब आपका आम का चटनी पहली बार में परफेक्ट बनेगा और ये टेस्ट में लाजवाब होता है। तो आइए हम झटपट ये चटनी बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और इसके साथ ही आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, वो टच करें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg कच्चा आम लिया है। तो आम को सबसे पहले हम धो के कपड़े से अच्छे से सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे। ऊपरी पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसको पोंछ के आप पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दें, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी सारा सूख जाए। तो इससे हम पूरे साल तक इस चटनी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको फैन के नीचे ही रखा है, पूरा पानी सूख चुका है। तो अब इसको हम छील लेते हैं। तो इस बात का ही आपको ध्यान देना है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आप अच्छे से पोंछ के सुखा के ही बनाएं। तो इसको छीलने के बाद ग्रेट करना है, तो ऐसा जो मीडियम साइज वाला ग्रेटर आता है उसको यूज करना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसमें सारे आम को हम ग्रेट कर लेते हैं। इससे बहुत ही लच्छेदार चटनी बनेगा, जो कि खाने में भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और ये गुठली वाला आम है, तो हमें गुठली वाला आम ही लेना है इस चटनी के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये एकदम अच्छा ग्रेट हुआ है और इस आम में गुठली है। तो गुठली वाले आम से ये चटनी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जूसी भी होता है। एकदम छोटा छोटा जो आम आता है वो नहीं लेंगे हम, गुठली वाला अच्छा आम लेंगे बड़े साइज का। तो सारे आम को मैंने ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा एकदम जूसी सा निकला है। तो हमें एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करना है इस चटनी में। तो हमने ग्रेट कर लिया है, अब चटनी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, ग्रेट किए हुए आम को हम डालेंगे एक पैन में, और फ्लेम अभी भी मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि पहले आम और चीनी हम मिक्स कर लेंगे, तब फ्लेम को ऑन करना है। तो वेट में ये 1 kg आम है, तो जितना हम आम लेंगे उतना ही हमें चीनी डालना है। तो छीलने के बाद, छिलका और गुठनी निकालने के बाद आम वेट में थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें चीनी ऐड करना है। और ये भी डिपेंड करता है कि आम कितना खट्टा है, तो आप आम को थोड़ा पहले टेस्ट भी कर लें। तो मैं क्वांटिटी में 900 ग्राम के बराबर इसमें चीनी डाल रही हूँ, 1 kg से थोड़ा सा कम, क्योंकि छिलका गुठली थोड़ा सा निकला है, तो थोड़ा सा तो आम कम हुआ ही होगा, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। टेस्ट करके आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो चीनी और आम को हम पहले मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तब थोड़ा ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो आप देख सकते हैं आम और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है और पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, वो जो आम का जूस है उसी से ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब फ्लेम को ऑन करके मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम लिक्विड हो चुका है। तो जो हमने चीनी डाला था वो मेल्ट होने के बाद ऐसा लिक्विड फॉर्म में आ गया है, पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो इस चटनी को लो फ्लेम पे ही हमें ऐसे ही पकाना है। आधे घंटे और पकाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होने लगा है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बस हम पकने के लिए इसको छोड़ देंगे, बीच बीच में एक दो बार चलाते रहना है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो 1/2 teaspoon मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहें तो प्लेन जो लाल मिर्च आता है वो भी डाल सकते हैं। और 1/2 teaspoon ही हम डालेंगे नमक, इस चटनी में नमक कम ही पड़ता है, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हल्दी डालेंगे एकदम 2 चुटकी, कलर के लिए हल्का सा हल्दी डालना है। और फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा लाल मिर्च और हल्दी डालने से। आप घर का कोई भी छोटा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आने लगा है। तो और कुछ मसाले हम लास्ट में ऐड करेंगे, तो इसको और हमें पकाना है, तो लो फ्लेम पे ही और पकाएंगे थोड़ी देर। जब तक हमारा चटनी पक रहा है, दूसरे साइड में हम उसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लो फ्लेम पे एक पैन रखा है और इसमें हम कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। तो 1 teaspoon मैंने लिया है जीरा,
1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून मंगरेल या फिर कलौंजी भी इसको कहते हैं, और 1/4 टीस्पून ही मैंने सौंफ लिया है। तो ये पांचों मिलाकर इसको पंचफोरन बोलते हैं। मैंने अलग अलग बताया है समझाने के लिए कि आपको पता चल सके कौन कौन सा मसाला मैंने इसमें लिया है। और पंचफोरन का एक अलग ही फ्लेवर होता है फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा चटनी में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो लो फ्लेम पे हम इसको खुशबू आने तक भून लेंगे लगातार चलाते हुए। बस एक दो मिनट लगता है इसको भूनने में, तो खुशबू आना शुरू हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं चला रही हूँ कि जले ना। और इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे और चटनी में लास्ट में ऐड करेंगे। तो बस ये भुना गया है और इसका पाउडर बना लेते हैं। हमारा मसाला रेडी हो गया है और इधर हम चटनी को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे कि नीचे से ये लगे ना। तो अभी आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आया है और गाढ़ापन भी इसका देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चटनी में बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है कि बनाने के बाद बोलते हैं कि बहुत हार्ड हो गया था और बहुत जम गया था। तो इसका प्रॉब्लम मैं आज सॉल्व कर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसे चेक करें। तो फ्रेंड्स, ये हम थोड़ा पतला रहेगा तभी फ्लेम को ऑफ करेंगे। देखिए अभी गिरा रही हूँ तो इस तरह से पतला लग रहा है, तो अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ठंडा होने के बाद अगर आपको लगे कि ये पतला है तो एक बार लो फ्लेम पे और पका लीजिए। लेकिन अगर पहले ही ज़्यादा पका के हार्ड हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस चटनी को हमें महीनों तक पूरे साल तक स्टोर करना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसका कंसिस्टेंसी अभी इतना पतला है, तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया और जो हमने मसाला बना के रखा था वो ऐड करेंगे इसमें। उसका मैंने पाउडर बना लिया है और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना मसाले के भी रख सकते हैं, तो आपको प्लेन चाहिए तो ऐसे ही रख लें, नहीं तो थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे तो और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। तो इसको मिला लेते हैं, अच्छी तरह से गर्म रहेगा तभी मसाला मिक्स हो जाएगा और इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो फ्रेंड्स, देखिए मसाला डालने के बाद कितना सुंदर कलर आया है और कंसिस्टेंसी आप देखिए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया, टोटल मैंने इसको 45 मिनट पकाया था लो फ्लेम पे। अब ठंडा करने के बाद मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना और कितना ये लाजवाब दिख रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो सीजन में एक बार इसको आप बना लीजिए और पूरे साल आराम से बिना प्रिजर्वेटिव के इसको रख के खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार इस चटनी को आप ट्राई करेंगे तो हर साल बनाएंगे, ये इतना टेस्टी लगता है। लेकिन आपको एक दो बातों का ध्यान रखना होगा कि इसे पानी से आप दूर रखिएगा और जिस चम्मच से आप निकालेंगे वो भी चम्मच गीला नहीं होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ। बाय बाय।